जिसमें भगवान आकर मिल जाते हैं। जैसे आप पानी में चीनी डाल दो वह घुल जाती है, फिर उसका रूप समाप्त हो जाता है। तो जब भगवान आकर इस चित्त में बैठते हैं तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वह नर से नारायण बन जाता है। यस्या श्रवण मात्रेण, इस कथा को सुनने मात्र से भगवान अपना वैकुंठ लोक छोड़कर आपके हृदय भवन में बैठ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। अब वो अलग बात है कि हम आप संसार की चुगली इन कानों से सुने, एक दूसरे की निंदा मुख से और कानों से श्रवण करें, सुने, कहें नहीं प्यारे। ये जो कान है ना, ये चुगली चौपाटी को सुनने के लिए नहीं है हो, हाँ ये तो भगवान की कथा सुनने के लिए आपको प्राप्त हुआ। भगवान का सद्गुण, भगवान का वह सुंदर गुण जिसे भक्त जन जन जनांतर से श्रवण कर रहे हैं। याद रहे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध कहीं भवन समाना, श्रवण रंध कहीं भवन समाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहिं सब सुनता, कहीं सुनहिं बहु विधि सब सुनता, कहीं सुनहिं बहु विधि सब सुनता, कहीं सुनहिं बहु विधि सब सुनता। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जरूरी नहीं है कि हम कथा पंडाल में बैठे रहे तब भी हमें कथा मिल जाए, हाँ कोई न कोई आपके कान में कुछ न कुछ कहता रहेगा और पता नहीं आपके काम की कौन सी औषधि छूट जाएगी। प्यारे ये जो टीढ़े मेढ़े रास्ते हैं ना, जो भगवान की कथा नहीं सुनते इन कानों से, अहिमाने सर्प वह सांप के रहने के बिल के समान है, वो कान नहीं है फिर वह। सर्प अपनी बिल तो स्वयं बनाता नहीं है, वह दूसरे की बिल में जाकर बैठ जाता है। तो ये कान जो भगवान ने प्रदान किए अपनी कथा सुनने के लिए, जब हम अनुरक्त होकर भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं तो काम क्रोध मद मत्सर दंभ और अभिमान रूपी कोई न कोई सर्प आकर इसमें बैठ जाएगा, विकार आकर बैठ जाएगा।